दौड़ी रेलगाड़ी, तेजी से बदल रही है वादियों की आबोहवा। कश्मीर घाटी में 3 महीने से अधिक समय से ठप पड़ी ट्रेन आज बहाल हो चुकी है। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर से बारामूला के बीच आज ट्रेन का ट्रायल हुआ और घाटी में बर्फबारी के कारण कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, हालांकि ये ट्रायल सफल रहा है। वहीं मंगलवार से नियमित रूप से ट्रेन रफ्तार भरेगी। आपको बता दें कि डिविजनल कमिश्नर बशीर अहमद खान ने रेलवे प्रबंधन को ट्रेन सेवा को बहाल करने को कहा था और बुधवार को डिवकॉम की अध्यक्षता में हुई बैठक में घाटी में वर्तमान स्थिति का जायजा लेने के बाद ट्रेन सेवा को बहाल करने का फैसला लिया गया था। हालांकि पहले से 1-2 डीएमयू ट्रेन ही चलाई जाएंगी और गौरतलब है कि अगस्त से घाटी में ट्रेन सेवा ठप पड़ी हुई है। ट्रेन सेवा ठप होने से आम लोगों के साथ पर्यटक भी सार्वजनिक यातायात सुविधा से महरूम है और 137 किलोमीटर लंबी रेल मार्ग पर प्रतिदिन 36 जोड़ी डीएमयू ट्रेन चलती हैं और घाटी में तनावपूर्ण हालात और सुरक्षा कारणों से ट्रेन के परिचालन को बंद किया गया था। ट्रेन सेवा को बाधित होने से रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है।